सर अभी राजभूत जी, आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही, पत्रकार ने पूछा गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि वो जंगल की तरह से है जिसमें हाथी भी होते हैं, शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं, और केजरीवाल की आप पार्टी को तो हम गीदड़ भी नहीं मानते। क्या ये कहा उन्होंने। वैसे बात ये ताली की थी, पर तुम कब बजाओगे? मैं फलित ज्योतिष का ज्योतिषी हूँ। अच्छा। हाँ, ज्योतिष का ज्योतिषी हूँ, मेरी कही बात फलेगी। मैंने इसी शो में कह दिया था, कांग्रेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाल बटेगी। कहाँ बटेगी? जूतों में। वाह, क्या पात्र चुना है ये मुहावरा है बे। अच्छा, खुद को शेर मानकर मूछे तानते हो, यानी जंगल में शेर भी है। कुछ खुद को शेर मानकर मूछे तानते हो, चलो आप पार्टी को तो गीदड़ भी नहीं मान रहे, पर बाकी सबको गीदड़ ही मानते हो। हाय हाय बहुत अच्छे। तो भाई इकट्ठी होने का पाल तो रहे हो घमंड। अभी इसमें एक शब्द आएगा फलाने, वो समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। इकट्ठे होने का पाल तो रहे हो घमंड, क्या शेर का शिकार कर लेगा ये फलानों का झुंड? फलानों का झुंड, दोनों का। अच्छा, दोनों गठबंधन की हालत आप बच्चे ज्यादा समझेंगे, दोनों गठबंधन की हालत बताता हूँ कैसी है। भाजपा लुक लुक, कांग्रेस धुक धुक। भाजपा लुक लुक, कांग्रेस धुक धुक, भाजपा पबजी और कांग्रेस फेसबुक। बताता हूं कैसे, खेल नकली लेकिन रिजल्ट असली है। खेल नकली लेकिन रिजल्ट असली है। पबजी पर तो शादी विवाह होने लग गए, लेकिन फेसबुक पर तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये बबलू है कि बबली है। अच्छा है। रही बात गठबंधन की, तो वो मझधार में है। सर अगर मैं शुरुआत में ओपनर को ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं एक मिनट लेता हूँ। मझधार मैंने शब्द लिया है, एक नाव में तीन बैठे थे, एक सियाणा बैठा था, एक बंदर था, एक ऊँट था। सियाणे ने स्वभाव के अनुसार बंदर को उंगली की, बंदर स्वभाव के अनुरूप ऊँट पे जा बैठा, ऊँट स्वभाव से करवट ले गया और नाव डूब गई। हाँ। तो इस बात का ध्यान रखना। गठबंधन की नाव मझधार में है, दूर दूर तक जमी नहीं है, और कांग्रेस में भी सियाणों की कमी नहीं है। वाह 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 वाह। मैं लास्ट में कहता हूँ, मैं फलित ज्योतिष का ज्योतिषी हूँ, ताली बजाना गोपाल जी रंग से। मैं फलित ज्योतिष का ज्योतिषी हूँ, 24 में यदि गठबंधन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांग्रेसी सियाणा ही डुबाएगा। आपने कहा कांग्रेस में सियाणों की कमी नहीं है, जरा सियाणे की उनकी डेफिनेशन तो बता दो। अभी उंगली करी थी, सुनी नहीं थी क्या? आप सुनिए, फौजदार जी ने बहुत शानदार बातें कही। पहली चीज तो उन्होंने गठबंधन की बात कर दी, बना कैसे? तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था, और फिराक का नाम रघुपति सहाय था, कोई मोमिन खान नहीं थे, पहले बता दूं। ठीक है कि सर जमीन हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो बच्चों ये गठबंधन हमारा ऐसे बना। फौजदार जी कवि हैं तो कवि के रूप में जवाब दे रहे हैं। दूसरा, आपने कहा फलित ज्योतिषी, तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला अहंकार आ गया कि मुझसे मोहतात होके गुफ्तगू करना। मुझसे मोहतात होके गुफ्तगू करना, मेरा सिलसिला अल्लाह मियाँ तक है। तो ये अल्लाह मियाँ कहीं मोदी जी हो गए क्या?
बात आप समझो फौजदार जी, हमारे गठबंधन की तो चिंता छोड़ दो, हमारा गठबंधन तो अभी तक एक है, लेकिन आप ये जो इनका गठबंधन है जिनकी तरफ आप बैठे हो, इनके गठबंधन ने अभी 4 दिन पहले एक पार्टी भाग गई, 38 थी 37 रह गई, मणिपुर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलायंस जो है वो भाग गया, तो नाव में इनकी छेद हो रहा है। 24 के चुनाव में आपको यही बात कहनी पड़ेगी, लेकिन आप हमारी तरफ से कहोगे गठबंधन जो गठबंधन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठग बंधन के अलावा कुछ नहीं है, हिंसा का हिस्सा बन जाएगा। चल शुरू कर, ये कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का नाम नहीं है, तेरे को क्या पता, सुनो कि यहाँ वहाँ सारे जहाँ में ये आवाज है, अरे यहाँ वहाँ सारे जहाँ में ये आवाज है, अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, अरे सारे देशवासियों पे, सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है, सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है, अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, मोदी जी मोदी जी तुम जिंदाबाद, के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी, एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी, अरे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है, आपके ही सर पे तो 24 का ताज है, अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद। कितने खुश हैं अग्रवाल साहब के यहाँ वहां। दूसरा सुनो कि राम का मंदिर बना के धारा 70 को हटा के घर में दुश्मन, हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है, आपने बचाई ये भारत की लाज है, मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, हाँ मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में ये आवाज है, यहाँ वहाँ सारे। बहुत अच्छे, कमलनाथ जी को देखा आपने, वो शरण में पहुंच गए उनके, तो मैं कांग्रेस से मुखातिब होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं, नतमस्तक दिख रहे हैं, डाले भगवा सा रंग निकले हैं, राजद को ये डर है कि टूट न जाए गठबंधन, कमलनाथ जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं, कमलनाथ जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदरणीय से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कांग्रेस धीरेंद्र शास्त्री से मिली, आप इस घटना पे मंथन करेंगे क्या? नहीं करेंगे करेंगे कमल जी की कांग्रेस धीरेंद्र शास्त्री से मिली, आप इस घटना पे मंथन करेंगे क्या, या चुनाव जीतने की रणनीति है हुजूर, झूठ मूठ गंगा जी से आचमन करेंगे क्या? झूठ मूठ गंगा जी से आचमन करेंगे क्या, सिर्फ हिंदुओं को भरमाने का ही सोचे हैं या सच यहाँ मन से समर्पण करेंगे क्या? नेताजी बताइए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे क्या? भारत एक संविधान के से संपन्न राष्ट्र है, हमारे देश का धर्म संविधान है, सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का धर्म संविधान है, और भगवा रंग किसी की बपौती नहीं है, किसी की भी बपौती नहीं है, भगवा रंग शांति का, प्रेम का, मोहब्बत का, संतत्व का, सूफिज्म का प्रतीक है, इसलिए रंगों की राजनीति मंच पर नहीं होनी चाहिए,
कमलनाथ जी भी आध्यात्मिक हैं, आप भी आध्यात्मिक हो और हम भी आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक राष्ट्र की तरफ चलिए, संवैधानिक राष्ट्र की तरफ चलिए, बाकी सब बातें हिंदू और मुसलमान की मत कीजिए। चलिए बात हिंदू मुसलमान की मत कीजिए, लेकिन बजरंग बली को गालियां देंगे, एक जगह जनेऊ धारण कर लेंगे, दूसरी जगह ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। चलिए आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को, अपने विचारों को रखिए। अगर आप क्या आपके विभिन्न पहलुओं पे क्या विचार हैं उसमें डिल डॉल करते हैं तो वही कंफ्यूज कर देते हैं जनता। चलिए।